आज हम चना दाल की एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे जो सभी को बहुत पसंद होती है। और अगर आप इस रेसिपी को मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। आप एक बार ये रेसिपी बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप भी ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हेलो, राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चना दाल की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गैस पे चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है और अब हम पैन में 2 कटोरी चना दाल डालेंगे। आप जितनी क्वांटिटी में ये रेसिपी बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से चना दाल ले लीजिए। लो फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए चना दाल को भूनना है। इसमें हमें घी ऐड नहीं करना है, बिना घी के ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है। अगर आप गैस की फ्लेम हाई कर दोगे तो फिर चने की दाल का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमें लास्ट तक गैस की फ्लेम को लो रखना है। 8 से 10 मिनट में ये देखिए चना दाल का कलर चेंज होने लगा है और ये देखिए बीच में से कुछ दाल हल्की सी ब्राउन भी होने लगी है। जब आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और आप दाल को एक बार खा के चेक कर लीजिए, अगर वो अच्छे से क्रिस्पी हो गई है तो हमारी दाल भुन चुकी है। वैसे 8 से 10 मिनट में ये दाल अच्छे से भुन के तैयार हो जाती है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। अभी पैन गर्म है तो इसे लगातार चलाते रहना। और ये देखिए हमारे कुछ दाने ब्राउन हो गए हैं। अब ये दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट भुन चुकी है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे। मिक्सी को हमें लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में रुकते हुए चलाना है। अगर आप लगातार मिक्सी को चलाएंगे तो फिर गर्म हो जाएगी और जो हमने चने की दाल का पाउडर बनाएंगे उसमें गुठलियाँ बढ़ जाएगी। और ये देखिए हमारे चने की दाल का पाउडर बन के तैयार हो चुका है। इसको हमने हल्का दरदरा सा पीसा है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 कटोरी घी ऐड करेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट चने की दाल के पाउडर में आप ऐसे ही घी डाल सकते हैं, लेकिन इससे इस रेसिपी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली थी और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें घी ऐड किया है। अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस आटे को घी में भूनना है। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बस घी गर्म करके ऐसे ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेप को करने से हमें इस मिक्सचर को दोबारा ठंडा करना पड़ेगा, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। लेकिन आप इस रेसिपी का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए। 2 से 3 मिनट में हमारा ये आटा अच्छे से भुन जाएगा। लगातार चलाते रहना, जैसे ही इसमें जाग आना शुरू हो जाएंगे हमारा आटा अच्छे से भुन जाएगा। ये देखिए आटे में अच्छे से जाग आना शुरू हो गए हैं। बस 1 मिनट के लिए और चला लेंगे। इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही भूनना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मिनट के लिए इसे भून सकते हैं। ये हमारा मिश्रण अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से फूल चुका है। हमने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आप इसी बर्तन में रखना चाहते हैं तो आप इसे 2 मिनट के लिए और चलाते रहिए ताकि मिश्रण हमारा नीचे तले में लगे नहीं। ये मैंने सारा मिश्रण दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये मिश्रण हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने 1 कटोरी इसमें बूरा लिया है। अगर आप बूरा बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
एक बात का आपको और ध्यान रखना है, मैं इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट डालूंगी इसलिए मैंने इसमें घी ज़्यादा ऐड किया है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट कटे हुए डालना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं तो आप घी इसमें थोड़ा कम रखिए। मेरे बच्चे मिठाई में ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते इसलिए मैं पीस के डालती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से काजू और बादाम को पीस के इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे ये लड्डू हमारे और ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। वैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसमें कई बार घी ज़्यादा हो जाता है, कई बार घी कम हो जाता है, कई बार हमें अलग से बेसन फिर से भून के डालना पड़ता है। गैस की फ्लेम हम हाई कर देते हैं तो बेसन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अगर आप इस तरीके से ये लड्डू बनाएंगे तो ये लड्डू का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और लड्डू को हमें पहले अच्छे से प्रेस करते हुए बनाना है और उसके बाद हाथ में इसे घुमाना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।